नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है त्रिशंकु, जिसे लिखा है मनु भंडारी जी ने। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। घर की चहारदीवारी आदमी को सुरक्षा देती है, पर साथ ही उसे एक सीमा में बांधती भी है। स्कूल कॉलेज जहां व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास करते हैं, वहीं नियम कायदे और अनुशासन के नाम पर उसके व्यक्तित्व को कुंठित भी करते हैं। बात यह है बंधु कि हर बात का विरोध उसके भीतर ही रहता है। ये सब मैं किसी किताब के उदाहरण नहीं पेश कर रही, ऐसी भारी भरकम किताबें पढ़ने का मेरा तो होता ही नहीं। ये तो उन बातों और बहसों के टुकड़े हैं जो रात दिन हमारे घर में हुआ करती हैं। हमारा घर यानी बुद्धिजीवियों का अखाड़ा, यहाँ सिगरेट के धुएं और कॉफी के प्यालों के बीच बातों के बड़े बड़े तुमार बांधे जाते हैं, बड़ी बड़ी शाब्दिक क्रांतियां की जाती हैं। इस घर में काम कम और बातें ज्यादा होती हैं। मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं, पर अपने घर से यह लगता जरूर है कि बुद्धिजीवियों के लिए काम करना शायद वर्जित है। मातुश्री अपने 3 घंटे की तफरीहनुमा नौकरी बजाने के बाद मुक्त, थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने के बाद जो समय बचता है वह या तो बात बहस में जाता है या फिर लेट लगाने में। उनका ख्याल है कि शरीर के निष्क्रिय होते ही मन मस्तिष्क सक्रिय हो उठते हैं, और वे दिन के 24 घंटों में से 12 घंटे अपना मन मस्तिष्क ही सक्रिय बनाए रखती हैं। पिताश्री और भी 2 कदम आगे, उनका बस चले तो वे नहाएं भी अपनी मेज पर ही। जिस बात की हमारे यहाँ सबसे अधिक कताई होती है वह है आधुनिकता। पर जरा ठहरिए, आप आधुनिकता का गलत अर्थ मत लगाइए। यह बाल कटाने और छुरी कांटे से खाने वाली आधुनिकता कतई नहीं है, यह है ठेठ बुद्धिजीवियों की आधुनिकता। यह क्या होती है सो तो ठीक ठीक मैं भी नहीं जानती, पर हाँ, इसमें लीक छोड़ने की बात बहुत सुनाई देती है। आप लीक को दुलत्ती झाड़ते आइए सिर आंखों पर, लीक से चिपक कर आइए दुलत्ती खाइए। भैंसों में यूं तो दुनिया जहान के विषय पीसे जाते हैं, पर एक विषय सब लोगों का बहुत प्रिय है और वह है शादी। शादी यानी बर्बादी। हल्के फुल्के ढंग से शुरू हुई बात एकदम बौद्धिक स्तर पर चली जाती है। विवाह संस्था एकदम खोखली हो चुकी है। पति पत्नी का संबंध बड़ा नकली और ऊपर से थोपा हुआ है, और फिर धुआंधार ढंग से विवाह की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। इस बहस में अक्सर स्त्रियां एक तरफ हो जाती और पुरुष एक तरफ, और बहस का माहौल कुछ ऐसा गर्म हो जाया करता कि मुझे पूरा विश्वास हो जाता कि अब जरूर 1-2 लोग तलाक दे बैठेंगे। पर मैंने देखा कि ऐसा कोई हादसा कभी हुआ नहीं। सारे ही मित्र लोग अपने अपने ब्याह को खूब अच्छी तरह समेट कर उस पर जमकर आसन मारे बैठे हैं। हाँ, बहस की रफ्तार और टोन आज भी वही है। अब सोचिए, ब्याह को कोसेंगे तो फ्री लव और फ्री सेक्स को तो पोसना ही पड़ेगा। इसमें पुरुष लोग उछल उछल कर आगे रहते, कुछ इस भाव से मानो बात करते ही इसका आधा सुख तो वे ले ही लेंगे। पापा खुद बड़े समर्थक। पर हुआ यूं कि घर में हमेशा चुप चुप रहने वाली दूर दराज की एक दीदिया ने बिना कभी इन बहसों में भाग लिए ही इस पर पूरी तरह अमल कर डाला, तो पाया कि सारी आधुनिकता अड़ाड़ा धम। वह तो फिर मम्मी ने बड़े सहज ढंग से सारी बात को संभाला और निरर्थक विवाह के बंधन में बांध कर दीदिया का जीवन सार्थक किया। हालांकि यह बात बहुत पुरानी है और मैंने तो बड़ी दबी ढकी जबान से इसका जिक्र ही सुना है। वैसे पापा मम्मी का भी प्रेम विवाह हुआ था। यूं यह बात बिल्कुल दूसरी है कि होश संभालने के बाद मैंने उन्हें प्रेम करते नहीं, केवल बहस करते ही देखा है। विवाह के पहले अपने इस निर्णय पर मम्मी को नाना से भी बहुत बहस करनी पड़ी थी, और बहस का यह दौर बहुत लंबा भी चला था शायद। इसके बावजूद यह बहस विवाह नहीं, प्रेम विवाह ही है, जिसका जिक्र मम्मी बड़े गर्व से किया करती हैं। गर्व विवाह को लेकर नहीं, पर इस बात को लेकर है कि किस प्रकार उन्होंने नाना से मोर्चा लिया। अपने और नाना के बीच हुए संवादों को वे इतनी बार दोहरा चुकी हैं
कि मुझे वे कंठस्थ हो गए हैं। आज भी वे जब इसकी चर्चा करती हैं, तो लीक से हटकर कुछ करने का संतोष उनके चेहरे पर झलक उठता है। बस ऐसे ही घर में मैं पल रही हूँ। बड़े मुक्त और स्वच्छंद ढंग से पलते पलते एक दिन अचानक बड़ी हो गई। बड़े होने का यह एहसास मेरे अपने भीतर से इतना नहीं फूटा जितना बाहर से। इसके साथ भी एक दिलचस्प घटना जुड़ी हुई है। हुआ यूं कि घर के ठीक सामने एक बरसाती है, एक कमरा और उसके सामने फैली छत। उसमें हर साल 2-3 विद्यार्थी आकर रहते, छत पर घूम घूम कर पढ़ते, पर कभी ध्यान ही नहीं गया। शायद ध्यान जाने जैसी मेरी उम्र ही नहीं थी। इस बार देखा, वहां 2 लड़के आए हैं। थे तो वे 2 ही, पर शाम तक उनके मित्रों का एक अच्छा खासा जमघट हो जाता और सारी छत ही नहीं, सारा मोहल्ला तक गुलजार। हंसी मजाक, गाना बजाना और आसपास की जो भी लड़कियां उनकी नजर के दायरे में आ जाती, उन पर चुटकीली फप्तियां। पर उनकी नजरों का असली केंद्र शायद हमारा घर और स्पष्ट कहूं तो मैं ही थी। बरामदे में निकलकर मैं कुछ भी करूं, उधर से एक न एक रिमार्क हवा में उछलता और टपकता और मैं भीतर तक थरथरा उठती। मुझे पहली बार लगा कि मैं हूँ, और केवल हूँ ही नहीं, किसी के आकर्षण का केंद्र हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो अपने होने का यह पहला एहसास बड़ा रोमांचक लगा, और अपनी ही नजरों में मैं नई हो उठी, नई और बड़ी। अजीब सी स्थिति थी, जब वे फप्तियां कसते तो मैं गुस्से से भन्ना जाती, हालांकि उनकी फप्तियों में अशिष्टता कहीं नहीं थी, थी तो केवल मन को सहलाने वाली एक चुहल। पर जब वे नहीं होते या होकर भी आपस ही में मशगूल रहते, तो मैं प्रतीक्षा करती रहती, एक अनाम सी बेचैनी भीतर ही भीतर कसमसाती रहती। आलम यह है कि हर हालत में ध्यान वहीं अटका रहता और मैं कमरा छोड़कर बरामदे में ही टंगी रहती। पर इन लड़कों के इस हल्ले गुल्ले वाले व्यवहार ने मोहल्ले वालों की नींद जरूर हराम कर दी। हमारा मोहल्ला यानी हाथरस खुर्जा के लालाओं की बस्ती, जिनके घरों में किशोरी लड़कियां थीं, वे बाहें चढ़ा चढ़ा कर दांत और लात तोड़ने की धमकियां दे रहे थे, क्योंकि सबको अपनी लड़कियों का भविष्य खतरे में जो दिखाई दे रहा था। मोहल्ले में इतनी सरगर्मी और मेरे मम्मी पापा को कुछ पता ही नहीं। बात असल में यह है कि इन लोगों ने अपनी स्थिति एक द्वीप जैसी बना रखी है, सबके बीच में रहकर भी सबसे अलग। एक दिन मैंने मम्मी से कहा, मम्मी ये जो सामने लड़के आए हैं ना, जब देखो मुझ पर रिमार्क पास करते हैं, मैं चुपचाप नहीं सुनूंगी, मैं भी यहाँ से जवाब दूंगी। कौन लड़के? मम्मी ने आश्चर्य से पूछा। कमाल है, मम्मी को कुछ पता ही नहीं। मैंने कुछ खीज और कुछ पुलक के मिले जुले स्वर में सारी बात बताई, पर मम्मी पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई। बताना कौन है ये लड़के, बड़े ठंडे लहजे में उन्होंने कहा और फिर पढ़ने लगी। अपना छेड़ा जाना मुझे जितना सनसनीखेज लग रहा था, उस पर माँ की ऐसी उदासीनता मुझे अच्छी नहीं लगी। कोई और माँ होती तो शायद फेटा कसकर निकल जाती और उसकी 7 पुश्तों को तार देती, पर माँ पर जैसे कोई असर ही नहीं। दोपहर ढले लड़कों की मजलिस छत पर जमी तो मैंने मम्मी को बताया, देखो ये लड़के हैं जो सारे समय इधर देखते रहते हैं और मैं कुछ भी करूं उस पर फप्तियां कसते हैं। पता नहीं मेरे कहने में ऐसा क्या था कि माँ एकटक मेरी ओर देखती रही, फिर धीरे से मुस्कुराई। थोड़ी देर तक छत वाले लड़कों का मुआयना करने के बाद बोली, कॉलेज के लड़के मालूम होते हैं, पर ये तो एकदम बच्चे हैं। मन हुआ कहूं कि बच्चे नहीं तो क्या बूढ़े छेड़ेंगे, पर तभी मम्मी बोली, कल शाम को इन लोगों को चाय पर बुला लेते हैं और तुमसे दोस्ती करवा देते हैं। मैं तो अवाक, तुम इन्हें चाय पर बुलाओगी? मुझे जैसे मम्मी की बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। हाँ क्यों, क्या हुआ? अरे यह तो हमारे जमाने में होता था कि मिल तो सकते नहीं, बस दूर से ही फप्तियां कस कस कर तसल्ली करो, अब तो जमाना बदल गया। मैं तो इस विचार मात्र से ही पुलकित लगा, माँ सचमुच कोई ऊंची चीज है, ये लोग हमारे घर आएंगे और मुझसे दोस्ती करेंगे। एकाएक मुझे लगने लगा कि मैं बहुत अकेली हूँ और मुझे किसी की दोस्ती की सख्त आवश्यकता है। इस मोहल्ले में मेरा किसी से विशेष मेलजोल नहीं,
और घर में केवल मम्मी पापा के दोस्त ही आते हैं। दूसरा दिन मेरा बहुत ही संशय में बीता। पता नहीं मम्मी अपनी बात पूरी भी करती हैं या यूं ही रॉ में कह गईं और बात खत्म। शाम को मैंने याद दिलाने के लिए ही कहा, मम्मी तुम सचमुच उन लड़कों को बुलाने जाओगी? शब्द मेरे यही थे, पर ना भाव तो था कि मम्मी जाओ ना प्लीज। और मम्मी सचमुच ही चली गई। मुझे याद नहीं मम्मी दो चार बार से अधिक मोहल्ले में किसी के घर गई हूँ। मैं सांस लेकर उनके लौटने की प्रतीक्षा करती रही। एक विचित्र सी थिरकन मैं अंग प्रत्यंग में महसूस कर रही थी। कहीं मम्मी उन्हें साथ ही लेती आई तो, कहीं वे मम्मी से बदतमीजी से पेश आए तो, पर नहीं, वे ऐसे तो लगते नहीं हैं। कोई घंटे भर बाद मम्मी लौटी बेहद प्रसन्न। मुझे देखते ही उनकी तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। उन्हें लगा अभी तक लोग अपने अपने घरों से ही उनके दांत लात तोड़ने की धमकी दे रहे थे। मैं जैसे सीधे घर ही पहुंच गई उनकी हड्डी पसली एक करने। पर फिर तो इतनी खातिर की बिचारों ने कि बस। बड़े ही स्वीट बच्चे हैं, बाहर से आए हैं, हॉस्टल में जगह नहीं मिली इसलिए कमरा लेकर रह रहे हैं। शाम को जब पापा आएंगे तब बुलवा लेंगे। प्रतीक्षा में समय इतना बोझिल हो जाता है, यह भी मेरा पहला अनुभव था। पापा आए तो मम्मी ने बड़े उमक कर सारी बात बताई। सबसे कुछ अलग करने का संतोष और गर्व उनके हर शब्द में जैसे छलका पड़ रहा था। पापा ही कौन पीछे रहने वाले थे, उन्होंने सुना तो वे भी प्रसन्न। बुलाओ लड़कों को, अरे खेलने खाने दो और मस्ती मारने दो बच्चों को। मम्मी पापा को अपनी आधुनिकता तुष्ट करने का एक जोरदार अवसर मिल रहा था। नौकर को भेजकर उन्हें बुलवाया गया तो अगले ही क्षण सब हाजिर। मम्मी ने बड़े कायदे से परिचय कराया और हलो हाय का आदान प्रदान हुआ। तनु बेटे अपने दोस्तों के लिए चाय बनाओ। धत तेरे की, मम्मी के दोस्त आए तब भी तनु बेटा चाय बनाए और उसके दोस्त आए तब भी। पर मन मार कर उठी, चाय पानी होता रहा, खूब हंसी मजाक भी चली। वे सफाई पेश करते रहे कि मोहल्ले वाले झूठ मूठ ही उनके पीछे पड़े रहते हैं, वे तो ऐसा कुछ भी नहीं करते, जस्ट फॉर फन कुछ कर दिया, वरना इस सब का कोई मतलब नहीं। पापा ने बढ़ावा देते हुए कहा, अरे इस उम्र में तो यह सब करना ही चाहिए, हमें मौका मिले तो आज भी करने से बाज ना आए। हंसी की एक लहर यहाँ से वहां तक दौड़ गई। कोई दो घंटे बाद वे चलने लगे तो मम्मी ने कहा, देखो इसे अपना ही घर समझो, जब इच्छा हो चले आया करो, हमारी तनु बिटिया को अच्छी कंपनी मिल जाएगी, कभी तुम लोगों से कुछ पढ़ भी लिया करेगी, और देखो कुछ खाने पीने का मन हुआ करे तो बता दिया करना, तुम्हारे लिए बनवा दिया करूंगी। और वे लोग पापा के खुलेपन और मम्मी की आत्मीयता और स्नेह पर मुग्ध होते हुए चले गए। बस जिससे दोस्ती करने के लिए उन्हें बुलाया गया था वह बेचारी इस तमाशे की मात्र दर्शक भर ही बनी रही। उनके जाने के बाद बड़ी देर तक उनको लेकर ही चर्चा होती रही। अपने घर की किशोरी लड़की को छेड़ने वाले लड़कों को घर बुलाकर चाय पिलाई जाए और लड़की से दोस्ती करवाई जाए, यह सारी बात ही बड़ी थ्रिलिंग और रोमांचक लग रही थी। दूसरे दिन से मम्मी हर आने वाले से इस घटना का उल्लेख करती। वर्णन करने में पटु मम्मी नीरस से नीरस बात को भी ऐसा दिलचस्प बना देती हैं। फिर यह तो बात ही बड़ी दिलचस्प थी। जो सुनता वही कहता, वाह यह हुई ना बात, आपका बड़ा स्वस्थ दृष्टिकोण है चीजों के प्रति, वरना लोग बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे पर बच्चों को घूंट कर रखेंगे और जरा सा शक शुभा हो जाए तो बाकायदा जासूसी करेंगे। और मम्मी इस प्रशंसा से निहाल होती हुई कहती, और नहीं तो क्या, मुक्त रहो और बच्चों को मुक्त रखो। हम लोगों को बचपन में यह मत करो यहाँ मत जाओ कह कहकर कितना बांधा गया था, हमारे बच्चे तो कम से कम इस घुटन के शिकार ना हो। पर मम्मी का बच्चा उस समय एक दूसरी ही घुटन का शिकार हो रहा था, और वह यह है कि जिस नाटक की हीरोइन उसे बनना था उसकी हीरोइन मम्मी बन बैठी। खैर इस सारी घटना का परिणाम यह हुआ कि लड़कों का व्यवहार एकदम ही बदल गया। जिस शराफत को मम्मी ने उन पर लाद दिया उसके अनुरूप व्यवहार करना उनकी मजबूरी बन गया। अब जब भी वे अपनी छत पर मम्मी पापा को देखते तो अदब में लपेटकर एक नमस्कार
और मुझे देखते तो मुस्कान में लपेटकर एक हाय उछाल देते। फप्तियों की जगह बाकायदा हमारा वार्तालाप शुरू हो गया, बड़ा खुला और बेझिझक वार्तालाप। हमारे बरामदे और छत में इतना ही फासला था कि जोर से बोलने पर बातचीत की जा सकती थी। हाँ, एक बात जरूर थी कि हमारी बातचीत सारा मोहल्ला सुनता था और काफी दिलचस्पी से सुनता था। जैसे ही हम लोग चालू होते, पास पड़ोस की खिड़कियों में चार छह सिर और धड़ाकर चिपक जाते। मोहल्ले में लड़कियों के प्रेम प्रसंग ना हो, ऐसी बात तो थी नहीं। बकायदा लड़कियों के भागने तक की घटनाएं घट चुकी थी, पर वह सब कुछ बड़े गुप्त और छिपे ढंग से होता था। और मोहल्ले वाले जब अपनी पैनी नजरों से ऐसे किसी रहस्य को जान लेते थे तो उन्हें बड़ा संतोष होता था। पुरुष मूछों पर ताव देकर और स्त्रियां हाथ नचा नचा कर खूब नमक मिर्च लगाकर इन घटनाओं का यहाँ से वहां तक प्रचार करती, कुछ इस भाव से कि अरे हमने दुनिया देखी है, हमारी आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकता है। पर यहाँ स्थिति ही उलट गई थी। हमारा वार्तालाप इतने खुलेआम होता था कि लोगों को खिड़कियों की ओट में छिप छिप कर देखना सुनना पड़ता था, और सुनकर भी ऐसा कुछ उनके हाथ नहीं लगता था जिससे वे कुछ आत्मिक संतोष पाते। इस बात को बढ़ना था और बात बढ़ी। हुआ यह कि धीरे धीरे छत की मजलिस मेरे अपने कमरे में जमने लगी। रोज ही कभी दो कभी तीन या चार लड़के आकर जम जाते और दुनिया भर के हंसी मजाक और गपशप का दौर चलता। गाना बजाना भी होता और चाय पानी भी। शाम को मम्मी पापा के मित्र आते तो इन लोगों में से कोई ना कोई बैठा ही होता। शुरू में जिन लोगों ने मुक्त रहो और मुक्त रखो की बड़ी प्रशंसा की थी, उन्होंने मुक्त रहने का जो रूप देखा तो उनकी आंखों में भी कुछ अजीब सी शंकाएं तैरने लगी। मम्मी की एक आध मित्र ने दबी जुबान में कहा भी, तनु तो बड़ी फास्ट चल रही है। मम्मी का अपना सारा उत्साह मंद पड़ गया था और लीक से हटकर कुछ करने की थ्रिल पूरी तरह झड़ चुकी थी। अब तो उन्हें इस नंगी सच्चाई को झेलना था कि उनकी निहायत ही कच्ची और नाजुक उम्र की लड़की तीन चार लड़कों के बीच घिरी रहती है। और मम्मी की स्थिति यह थी कि वे न इस स्थिति को पूरी तरह स्वीकार कर पा रही थीं और न अपने ही द्वारा बड़े जोश में शुरू किए गए इस सिलसिले को नकार ही पा रही थीं। आखिर एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बिठाकर कहा, तनु बेटे, ये लोग रोज रोज यहाँ आकर जम जाते हैं, आखिर तुमको पढ़ना लिखना भी तो है। मैं तो देख रही हूँ कि इस दोस्ती के चक्कर में तेरी पढ़ाई लिखाई सब चौपट हुई जा रही है, और इस तरह तो यह सब चलेगा नहीं। रात को पढ़ती तो हूँ, लापरवाही से मैंने कहा, खाक पड़ती है रात को, समय ही कितना मिलता है। और फिर यह रोज रोज की धमा चौकड़ी मुझे वैसे भी पसंद नहीं। ठीक है, चार छह दिन में कभी आ गए, गपशप कर ली, पर यहाँ तो एक ना एक रोज ही रटा रहता है। मम्मी के स्वर में आक्रोश का फुट गहराता जा रहा था। मम्मी की यह टोन मुझे अच्छी नहीं लगी, पर मैं चुप। तू तो उनमें बहुत खुल गई है, कह दे कि वे लोग भी बैठकर पढ़ें और तुझे भी पढ़ने दें, और तुझसे ना कहा जाए तो मैं कह दूंगी। पर किसी के भी कहने की नौबत नहीं आई। कुछ तो पढ़ाई की मार से, कुछ दिल्ली के दूसरे आकर्षणों से खींचकर हॉस्टल वाले लड़कों का आना जाना कम हो गया। पर सामने के कमरे से शेखर रोज ही आ जाता, कभी दोपहर में तो कभी शाम को। तीन चार लोगों की उपस्थिति में उसकी जिस बात पर मैंने ध्यान नहीं दिया, वही बात अकेले में सबसे अधिक उजागर होकर आई। वह बोलता कम था, पर शब्दों के परे बहुत कुछ कहने की कोशिश करता था, और एकाएक ही मैं उसकी अनकही भाषा समझने लगी थी। केवल समझने ही नहीं लगी थी, प्रत्युत्तर भी देने लगी थी। जल्दी ही मेरी समझ में आ गया कि शेखर और मेरे बीच प्रेम जैसी कोई चीज पनपने लगी है। पर हिंदी फिल्में देखने के बाद इसको समझने में खास मुश्किल नहीं हुई। जब तक मन में कहीं कुछ नहीं था, सब कुछ बड़ा खुला हुआ था। पर जैसे ही कुछ हुआ तो उसे औरों की नजर से बचाने की इच्छा भी साथ ही आई। जब कभी दूसरे लड़के आते तो सीढ़ियों से ही शोर करते आते, जोर जोर से बोलते, लेकिन शेखर जब भी आता रेंगता हुआ आता और फुसफुसाकर हम बातें करते। वैसे बातें बहुत ही साधारण होती थी, स्कूल की, कॉलेज की,
पर फुसफुसाकर करने में ही वे कुछ विशेष लगती थी। प्रेम को कुछ रहस्यमय, कुछ गुपचुप बना दो तो वह बड़ा थ्रिलिंग हो जाता है, वरना तो एकदम सीधा सपाट। पर मम्मी के पास घर और घर वालों के हर रहस्य को जान लेने की एक छठी इंद्रिय है, जिससे पापा भी काफी त्रस्त रहते हैं। उससे उन्हें यह सब समझने में जरा भी देर नहीं लगी। शेखर कितना ही दब छिप कर आता और मम्मी घर के किसी भी कोने में होती, फट से प्रकट हो जाती और फिर वहीं से पूछती, तनु कौन है तुम्हारे कमरे में? मैंने देखा शेखर के इस रवैये से मम्मी के चेहरे पर अजीब सी परेशानी झलकने लगी है, पर मम्मी इस बात को लेकर यूं परेशान हो उठेंगी यह तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। जिस घर में रात दिन तरह तरह के प्रेम प्रसंग ही पीसे जाते रहे हों, कुंवारों के प्रेम प्रसंग, विवाहितों के प्रेम प्रसंग, दो तीन प्रेमियों के एक साथ चलने वाले प्रेम प्रसंग, उस घर के लिए तो यह बात बहुत ही मामूली होनी चाहिए। जब लड़कों से दोस्ती की है तो एक आध से प्रेम भी हो ही सकता है। मम्मी ने शायद समझ लिया था कि यह सारी स्थिति आजकल की कलात्मक फिल्मों की तरह चलेगी, जिनकी वे बड़े प्रशंसक और समर्थक हैं, पर जिनमें शुरू से लेकर आखिर तक कुछ भी सनसनीखेज घटता ही नहीं। जो भी हो, मम्मी की इस परेशानी ने मुझे भी कहीं हल्के से विचलित जरूर कर दिया। मम्मी मेरी माँ ही नहीं, मित्र और साथिन भी हैं। दो घनिष्ठ मित्रों की तरह ही हम दुनिया जहान की बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। मैं तो चाहती थी कि वे इस बारे में भी कोई बात करें, पर उन्होंने कोई बात नहीं की। बस जब शेखर आता तो वे अपने स्वभावगत लापरवाही छोड़कर बड़े सजग भाव से मेरे कमरे के इर्द गिर्द ही मंडराती रहती। एक दिन मम्मी के साथ बाहर जाने के लिए मैं नीचे उतरी तो दरवाजे पर ही पड़ोस की एक भद्र महिला टकरा गई। नमस्कार और कुशल क्षेम के आदान प्रदान के बाद वे बात के असली मुद्दे पर आईं। ये सामने की छत वाले लड़के आपके रिश्तेदार हैं क्या? नहीं तो? अच्छा, शाम को रोज ही आपके घर बैठे रहते हैं, तो सोचा आपके जरूर कुछ लगते होंगे। तनु के दोस्त हैं। मम्मी ने कुछ ऐसी लापरवाही और निसंकोच भाव से यह वाक्य उछाला कि बेचारी तीर निशाने पर न लगने का गम लिए ही लौट गईं। वे तो लौट गईं, पर मुझे लगा कि इस बात का सूत्र पकड़कर ही मम्मी अब जरूर मेरी थोड़ी धुनाई कर देंगी। कहने वाली का तो कुछ न बना, पर मेरा कुछ बिगाड़ने का हथियार तो मम्मी के हाथ में आ ही गया। बहुत दिनों से उनके अपने मन में भी कुछ उमड़ घुमड़ तो रहा ही है, पर मम्मी ने इतना ही कहा, लगता है इनके अपने घर में कोई काम धंधा नहीं है, जब देखो दूसरों के घर में चोंच गड़ाए बैठे रहते हैं। मैं आश्वस्त ही नहीं हुई, बल्कि मम्मी की ओर से इसे हरा सिग्नल समझकर मैंने अपनी रफ्तार कुछ और तेज कर दी। पर इतना जरूर किया कि शेखर के साथ 3 घंटों में से 1 घंटा जरूर पढ़ाई में गुजारती। मैं बहुत मन लगाकर पढ़ाता और मैं बहुत मन लगाकर पढ़ती। हाँ, बीच बीच में वह कागज की छोटी छोटी पर्चियों पर कुछ ऐसी पंक्तियां लिखकर थमा देता कि मैं भीतर तक झनझना जाती। उसके जाने के बाद भी उन पंक्तियों के वे शब्दों के पीछे के भाव मेरी रग रग में सनसनाते रहते और मैं उन्हीं में डूबी रहती। मेरे भीतर अपनी ही एक दुनिया बनती चली जा रही थी, बड़ी भरी पूरी और रंगीन। आजकल मुझे किसी की जरूरत ही महसूस नहीं होती, लगता जैसे मैं अपने में ही पूरी हूँ। हमेशा साथ रहने वाली मम्मी भी आउट होती जा रही हैं, और शायद यही कारण है कि इधर मैंने मम्मी पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। रोजमर्रा की बातें तो होती हैं, पर केवल बातें ही होती हैं, उसके परे कहीं कुछ नहीं। दिन गुजरते जा रहे थे और मैं अपने में ही डूबी अपनी दुनिया में और गहरे धंसती जा रही थी। बाहर की दुनिया से एक तरह से बेखबर सी। एक दिन स्कूल से लौटी, कपड़े बदले, शोर शराबे के साथ खाना मांगा, मीन मेख के साथ खाया और जब कमरे में घुसी तो मम्मी ने लेटे लेटे ही बुलाया, तनु इधर आओ। पास आई तो पहली बार ध्यान गया कि मम्मी का चेहरा तमतमा रहा है। मेरा माथा ठनका। उन्होंने साइड टेबल पर से एक किताब उठाई और उसमें से कागज की 5-6 पर्चियां सामने कर दी। तौबा, मम्मी से कुछ पढ़ना था सो जाते समय उन्हें अपनी किताब दे गई थी। गलती से शेखर की लिखी पर्चियां उसी में रह गईं। तो इस तरह चल रही है शेखर और तुम्हारी दोस्ती? यही पढ़ाई होती है यहाँ बैठकर? यही सब करने के लिए आता है वह यहाँ?
मैं चुप। जानती हूँ गुस्से में मम्मी को जवाब देने से बढ़कर मूर्खता और कोई नहीं। तुमको छूट दी, आजादी दी, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम उसका नाजायज फायदा उठाओ। मैं फिर भी चुप। बित्ते भर की लड़की और कर्तव्य देखो इनके। जितनी छूट दो उतने ही पैर पसरते जा रहे हैं इनके। झापड़ दूंगी तो सारा रोमांस झड़ जाएगा 2 मिनट में। इस वाक्य पर मैं एकाएक तिलमिला उठी, तमक्कर नजर उठाई और मम्मी की तरफ देखा। पर यह क्या, यह तो मेरी मम्मी नहीं है, न यह तेवर मम्मी का है, न यह भाषा। फिर भी यह सारे वाक्य बहुत परिचित से लगे। लगा यह सब मैंने कहीं सुना है, और खटाक से मेरे मन में कौन था, नाना। पर नाना को मरे तो कितने साल हो गए, वे फिर जिंदा कैसे हो गए, और वह भी मम्मी के भीतर, जो होश संभालने के बाद हमेशा उनसे झगड़ा ही करती रही, उनकी हर बात का विरोध ही करती रही। मम्मी का नानाई लहजे वाला भाषण काफी देर तक चालू रहा, पर वह सब मुझे कहीं से भी छू नहीं रहा था। बस कोई बात झकझोर रही थी तो यही कि मम्मी के भीतर नाना कैसे आ बैठे। और फिर घर में एक विचित्र सा तनावपूर्ण मौन छा गया, खासकर मेरे और मम्मी के बीच। नहीं, मम्मी तो घर में रही ही नहीं, मेरे और नाना के बीच। मैं मम्मी को अपनी बात समझा भी सकती हूँ, उनकी बात समझ भी सकती हूँ, पर नाना, मैं तो इस भाषा से भी अपरिचित हूँ और इस तेवर से भी। बात करने का प्रश्न ही कैसे उठता। पापा जरूर मेरे दोस्त हैं, पर बिल्कुल दूसरी तरह के। शतरंज खेलना, पंजा लड़ाना और जो फरमाइश मम्मी पूरी ना करें उनसे पूरी करवा लेना, बचपन में उनकी पीठ पर लदी रहती थी और आज भी बिना झिझक के उनकी पीठ पर लद कर अपनी हर इच्छा पूरी करवा लेती हूँ। पर इतने माय डियर दोस्त होने के बावजूद अपनी निजी बातें मैं मम्मी के साथ ही करती आई हूँ, और वहाँ एकदम सन्नाटा। मम्मी को पटकनी देकर नाना पूरी तरह उन पर सवार जो हैं। शेखर को मैंने इशारे से लाल झंडी दिखा दी थी, सो वह भी नहीं आ रहा। पर शाम का समय है कि मुझसे काटे नहीं कटता। कई बार मन हुआ कि मम्मी से जाकर बात करूं और साफ साफ पूछूं कि तुम इतना बिगड़ क्यों रही हो, मेरी और शेखर की दोस्ती के बारे में तुम जानती तो हो, मैंने तो कभी कुछ छिपाया नहीं, और दोस्ती है तो यह सब तो होगा ही। तुम क्या समझ रही थी कि हम भाई बहन की तरह। पर तभी ख्याल आया कि मम्मी है ही कहाँ जिनसे जाकर यह सब कहूँ। 4 दिन हो गए मैंने शेखर की सूरत नहीं देखी। मेरे हल्के इशारे से ही उस बेचारे ने तो घर क्या छत पर भी आना छोड़ दिया। हॉस्टल में रहने वाले उसके साथी भी छत पर न दिखाई दिए, न घर ही आए। कोई आता तो कम से कम उसका हालचाल ही पूछ लेती। मैं जानती हूँ वह बेवकूफी की हद तक भावुक है, उसे तो ठीक से यह भी नहीं मालूम कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। लगता है मम्मी के गुस्से की आशंका मात्र ही से सबके हौसले पस्त हो गए थे। वैसे कल से मम्मी के चेहरे का तनाव कुछ ढीला जरूर हुआ है, 3 दिन से जमी हुई सख्ती जैसे पिघल गई हो। पर मैंने तय कर लिया है कि बात अब मम्मी ही करेंगी। सवेरे नहा धोकर मैं दरवाजे के पीछे अपनी यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी। शायद मेज पर मम्मी चाय बना रही थी और पापा अखबार में सिर गड़ाए बैठे थे। मम्मी को शायद मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं कब नहाकर बाहर निकल आई। मैं पापा से बोली, जानते हो कल रात को क्या हुआ, पता नहीं तब से मन बहुत खराब हो गया, उसके बाद से तो मैं सो ही नहीं पाई। मम्मी के स्वर की कोमलता से मेरा हाथ जहां का तहां थम गया और कान बाहर लग गए। आधी रात के करीब मैं बाथरूम जाने के लिए उठी। सामने छत पर घुप अंधेरा छाया हुआ था, अचानक एक लाल सितारा सा चमक उठा। मैं चौंकी, गौर से देखा तो धीरे धीरे एक आकृति उभर आई। शेखर छत पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। मैं चुपचाप लौट आई। कोई 2 घंटे बाद फिर गई तो देखा वह उसी तरह छत पर टहल रहा था। बेचारा, मेरा मन जाने कैसा हो आया। तनु भी कैसी बुझी बुझी रहती है। फिर जैसे अपने को ही धिक्कारती सी बोली, पहले तो छूट दो और फिर जब आगे बढ़े तो खींचकर चारों खाने चित कर दो, यह भी कोई बात हुई भला। राहत का एक गहरा निश्वास मेरे भीतर से निकल पड़ा। जाने कैसा आवेग मन में उमड़ा कि इच्छा हुई दौड़कर मम्मी के गले से लग जाऊं। लगा जैसे अरसे के बाद मेरी मम्मी लौट कर आई हूँ।
पर मैंने कुछ नहीं कहा, बस अब खुलकर बात करूंगी। 4 दिन से न जाने कितने प्रश्न मन में घूम रहे थे। अब क्या, अब तो मम्मी हैं, और उनसे तो कम से कम सब कुछ कहा पूछा जा सकता है। पर घर पहुंचकर देखा तो अवाक, शेखर हथेलियों में सिर थामे कुर्सी पर बैठा है और मम्मी उसी कुर्सी के हत्थे पर उसकी पीठ और माथा सहला रही हैं। मुझे देखते ही बड़े सहज स्वाभाविक स्वर में बोली, देखा इस पगले को, 4 दिन से ये साहब कॉलेज नहीं गए हैं, ना ही कुछ खाया पिया है, अपने साथ इसका भी खाना लगवाना। और फिर मम्मी ने खुद बैठकर बड़े स्नेह से मनुहार कर करके उसे खाना खिलाया। खाने के बाद कहने पर भी शेखर ठहरा नहीं, मम्मी के प्रति कृतज्ञता के बोझ से झुका झुका ही वह लौट गया और मेरे भीतर खुशी का ऐसा ज्वार उमड़ा कि अब तक के सारे सोचे प्रश्न उसी में बिला गए। सारी स्थिति को सम पर आने में समय तो लगा, पर आ गई। शेखर ने भी अब 1-2 दिन छोड़कर आना शुरू किया, और आता भी तो अधिकतर हम लिखाई पढ़ाई की ही बात करते। अपने किए पर शर्मिंदगी प्रकट करते हुए उसने मम्मी से वायदा किया कि अब वह ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे मम्मी को शिकायत हो। जिस दिन वह नहीं आता, मैं 2-3 बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपने बरामदे से ही बात कर लिया करती। घर की अनुमति और सहयोग से यूं सरेआम चलने वाले इस प्रेम प्रसंग में मोहल्ले वालों के लिए भी कुछ नहीं रह गया था, और उन्होंने इस जानलेवा जमाने के नाम पर 2-4 लानतें भेज कर किसी गुल खिलने तक के लिए अपनी दिलचस्पी को स्थगित कर दिया। लेकिन एक बात मैंने जरूर देखी, जब भी शेखर शाम को कुछ ज्यादा देर ठहर जाता या दोपहर में भी आता, तो मम्मी के भीतर नाना कसमसाने लगते और उसकी प्रतिक्रिया मम्मी के चेहरे पर झलकने लगती। मम्मी भरसक कोशिश करके नाना को बोलने तो नहीं देती, पर उन्हें पूरी तरह हटा देना भी शायद मम्मी के बस की बात नहीं रह गई थी। हाँ, यह प्रसंग मेरे और मम्मी के बीच में अब रोजमर्रा की बातचीत का विषय जरूर बन गया था। कभी वे मजाक में कहती, यह जो तेरा शेखर है ना, बड़ा लिजलिजा सा लड़का है, अरे इस उम्र में लड़कों को चाहिए घूमे फिरे मस्ती मारे, क्या मुहर्रम इसी सूरत बनाए मजनू की तरह छत पर टंगा सारे समय इधर ही ताकता रहता है। मैं केवल हंस देती। कभी बड़ी भावुक होकर कहती, तो क्यों नहीं समझती बेटे कि तुझे लेकर कितनी महत्वाकांक्षाएं हैं मेरे मन में, तेरे भविष्य को लेकर कितने सपने संजो रखे हैं मैंने। मैं हंसकर कहती, मम्मी तुम भी कमाल करती हो, अपनी जिंदगी को लेकर तुम भी सपने देखो और मेरी जिंदगी के सपने भी तुम ही देख डालो, कुछ सपने तो मेरे लिए भी छोड़ दो। कभी वे समझाने के लहजे में कहती, देखो तनु, अभी तुम बहुत छोटी हो, अपना सारा ध्यान पढ़ने लिखने में लगाओ और दिमाग से ही उल्टे सीधे फितूर निकाल डालो। ठीक है, बड़े हो जाओ तो प्रेम भी करना और शादी भी, मैं तो वैसे भी तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने वाली नहीं हूँ, अपने आप ही ढूंढना, पर इतनी अकल तो आ जाए कि ढंग का चुनाव कर सको। अपने चुनाव के रिजेक्शन को मैं समझ जाती और पूछती, अच्छा मम्मी बताओ, जब तुमने पापा को चुना था तो वह नाना को पसंद था? मेरा चुनाव? अपनी सारी पढ़ाई लिखाई खत्म करके 25 साल की उम्र में चुनाव किया था मैंने, खूब सोच समझ कर और अकल के साथ, समझी? मम्मी अपनी बौखलाहट को गुस्से में छिपाकर कहती, उम्र और पढ़ाई लिखाई, ये दो ही तो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मम्मी मुझे जब तक धांसती रहती हैं। पढ़ने लिखने में मैं अच्छी थी, और रहा उम्र का सवाल, सो उसके लिए मन होता कि कहूं, मम्मी तुम्हारी पीढ़ी जो काम 25 साल की उम्र में करती थी, हमारी उसे 15 साल की उम्र में ही करेगी, इसे तुम क्यों नहीं समझती? पर चुप रह जाती। नाना का जिक्र तो चल ही पड़ा है, कहीं वे जाग ही उठे तो। छमाही परीक्षाएं आ गई थीं और मैंने अपना सारा ध्यान पढ़ने में लगा दिया था, सबका आना और गाना बजाना एकदम बंद। इन दिनों मैंने इतनी जमकर पढ़ाई की कि मम्मी का मन प्रसन्न हो गया, शायद कुछ आश्वस्त भी। आखिरी पेपर देने के पश्चात लग रहा था कि एक बोझ था जो हट गया है, मन बेहद हल्का होकर कुछ मस्ती मारने को कर रहा था। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी कल शेखर और दीपक पिक्चर जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ चली जाऊं? आज तक मैं इन लोगों के साथ कभी घूमने नहीं गई थी, पर इतनी पढ़ाई करने के बाद अब इतनी छूट तो मिली ही थी। मम्मी एक क्षण मेरा चेहरा देखती रही, फिर बोली,
इधर आ, यहाँ बैठ, तुझसे कुछ बात करनी है। मैं जाकर बैठ गई, पर यह समझ ना आया कि इसमें बात करने को क्या है। हाँ कहो ना, लेकिन मम्मी को बात करने का मर्ज जो है उसकी तो हाँ ना भी 50-60 वाक्यों में लिपटे बिना नहीं निकल सकती। तेरे इम्तिहान खत्म हुए तो मैं खुद पिक्चर का प्रोग्राम बना रही थी। बोल कौन सी पिक्चर देखना चाहती है, क्यों, उनके साथ जाने में क्या है। मेरे स्वर में इतनी खीज भरी हुई थी कि मम्मी एक टक मेरा चेहरा देखती रह गईं। तनु तुझे पूरी छूट दे रखी है बेटे, पर इतनी ही तेज चल कि मैं भी तेरे साथ तो चल सकूं। तुम साफ कहो ना कि जाने दोगी या नहीं। बेकार की बातें, मैं भी साथ चल सकूं। तुम्हारे साथ चल सकने की बात भला कहां से आ गई, मम्मी ने पीठ सहलाते हुए कहा। साथ तो चलना ही पड़ेगा, कभी औंधे मुंह गिरी तो कोई उठाने वाला भी तो चाहिए ना। मैं समझ गई कि मम्मी नहीं जाने देंगी, पर इस तरह प्यार से मना करती हैं तो झगड़ा भी तो नहीं किया जा सकता। बहस करने का सीधा सा मतलब है कि उनका बघारा हुआ दर्शन सुनो, यानी 50 मिनट की एक क्लास। पर मैं कतई नहीं समझ पाई कि जाने में आखिर हर्ज क्या है। हर बात में नानुकुल, कहां तो कहती थी बचपन में यह मत करो वहां मत जाओ कहकर हमको बहुत घूटा गया है, और खुद अब वही सब कर रही हैं। देख लिया इनकी बड़ी बड़ी बातों को। मैं उठी और दंदनाती हुई अपने कमरे में आ गई। हाँ एक वाक्य जरूर थमा आई, मम्मी जो चलेगा वह गिरेगा भी, और जो गिरेगा वह उठेगा भी, और खुद ही उठेगा, उसे किसी की जरूरत नहीं है। पता नहीं मेरी बात की उन पर प्रतिक्रिया हुई या उनके अपने मन में ही कुछ जागा। शाम को उन्होंने खुद शेखर और उसके कमरे पर आए तीनों चारों लड़कों को बुलवा कर मेरे ही कमरे में मजलिस जमवाई और खूब गरम गरम खाना खिलवाया। कुछ ऐसा रंग जमा कि मेरा दोपहर वाला आक्रोश धुल गया। इम्तिहान खत्म हो गए थे और मौसम सुहाना था, मम्मी का रवैया भी अनुकूल था, सो दोस्ती का स्थगित हुआ सिलसिला फिर शुरू हो गया। और आजकल तो जैसे उसके सिवाय कुछ रह ही नहीं गया था। पर फिर एक झटका, उस दिन मैं अपनी सहेली के घर से लौटी तो मम्मी की सख्त आवाज सुनाई दी, तनु इधर आओ। तो आवाज से ही लगा कि यह खतरे का सिग्नल है। एक क्षण को तो मैं सकते में आ गई। पास गई तो चेहरा पहले की तरह सख्त। तुम शेखर के कमरे पर जाती हो, मम्मी ने बंदूक दागी। समझ गई कि पीछे गली में से किसी ने अपना कर्तव्य कर दिखाया। कब से जाती हो, मन तो हुआ कि कहूं, जिसने जाने की खबर दी है उसने बाकी बातें बता ही दी होंगी, कुछ जोड़ तोड़ कर ही बताया होगा। पर मम्मी जिस तरह भभक रही थी उसमें चुप रहना ही बेहतर समझा। वैसे मुझे मम्मी के इस गुस्से का कारण समझ में नहीं आ रहा था। 2-3 बार यदि मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए शेखर के कमरे पर चली गई तो ऐसा क्या गुनाह हो गया, पर मम्मी का हर काम सकारण तो होता नहीं, बस वे तो मूड पर ही चलती हैं। अजीब मुसीबत थी, गुस्से में मम्मी से बात करने का कोई मतलब नहीं, और मेरी चुप्पी मम्मी के गुस्से को और भड़का रही थी। याद नहीं है मैंने शुरू में ही तुम्हें मना कर दिया था कि तुम उनके कमरे पर कभी नहीं जाओगी। 3-3 घंटे वह यहाँ धुनी रमा कर बैठता है, उससे भी जी नहीं भरा तुम्हारा। दुख क्रोध और आतंक की परतें उनके चेहरे पर गहरी होती जा रही थी, और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि कैसे उन्हें सारी स्थिति समझाऊं। वह तो बेचारे सामने वाले ने मुझे बुलाकर आगाह कर दिया। जानती है यह सिर आज तक किसी के सामने झुका नहीं, पर वहां मुझसे आंख नहीं उठाई गई। मुंह दिखाने लायक मत रखना हमको कहीं भी, सारी गली में थू थू हो रही है, नाक कटा कर रख दी। गजब, इस बार तो मोहल्ला ही बोलने लगा मम्मी के भीतर से। आश्चर्य है कि जो मम्मी आज तक अपने आसपास से बिल्कुल कटी हुई थी, जिसका मजाक उड़ाया करती थी, आज कैसे उसके सुर में सुर मिलाकर बोल रही हैं। मम्मी का भाषण बदस्तूर चालू, पर मैंने तो अपने कान के स्विच ही ऑफ कर लिए। जब गुस्सा ठंडा होगा मम्मी अपने कमरे में लौट आएंगी तब समझा दूंगी। मम्मी इस छोटी सी बात को तुम नहा कितना तूल दे रही हो, पर न जाने कैसी डोज ले आई है इस बार कि उनका गुस्सा ही ठंडा नहीं हो रहा है। और हुआ यह है कि अब उनके गुस्से से मुझे गुस्सा चढ़ने लगा, फिर घर में एक अजीब सा तनाव छा गया।
इस बार मम्मी ने शायद पापा को भी सब कुछ बता दिया है। कहा तो उन्होंने कुछ नहीं, वे शुरू से ही इस मामले में आउट रहे, पर इस बार उनके चेहरे पर भी एक अनकहा सा तनाव दिखाई जरूर दे रहा है। कोई 2 महीने पहले जब इस तरह की घटना हुई थी तो मैं भीतर तक सहम गई थी, पर इस बार मैंने तय कर लिया है कि इस सारे मामले में मम्मी को यदि नाना बनकर ही व्यवहार करना है तो मुझे भी फिर मम्मी की तरह ही मोर्चा लेना होगा उनसे, और मैं जरूर लूंगी। दिखा तो दूं कि मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ और तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चल रही हूँ। खुद तो लीक से हटकर चली थी, सारी जिंदगी इस बात की घुट्टी पिलाती रही, पर मैंने जैसे ही अपना पहला कदम रखा, घसीट कर मुझे अपनी ही खींची लीक पर लाने के दंड फंद शुरू हो गए। मैंने मन में ढेर ढेर तर्क सोच डाले कि एक दिन बकायदा मम्मी से बहस करूंगी, साफ साफ कहूंगी कि मम्मी, इतने ही बंधन लगाकर रखना था तो शुरू से वैसे पालती, क्यों झूठ मूठ आजादी देने की बातें करती सिखाती रही। पर इस बार मेरा भी मन सुलग कर इस तरह राख हो गया था कि मैं गुमसुम सी अपने ही कमरे में पड़ी रहती। मन बहुत भर आता तो रो लेती। घर में सारे दिन हंसती खिलखिलाती रहने वाली मैं एकदम चुप होकर अपने में ही सिमट गई थी। हाँ, एक वाक्य जरूर बार बार दोहरा रही थी, मम्मी तुम अच्छी तरह समझ लो कि मैं भी अपने मन की ही करूंगी। हालांकि मेरे मन में क्या है इसकी कोई भी रूपरेखा मेरे सामने न थी। मुझे नहीं मालूम कि इन 3-4 दिनों में बाहर क्या हुआ। घर बाहर की दुनिया से कटी, अपने कमरे में ही सिमटी मैं मम्मी से मोर्चा लेने के दाम सोच रही थी, पर आज दोपहर मुझे कतई कतई अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ जब मम्मी को अपने बरामदे से ही चिल्लाते हुए सुना, शेखर कल तो तुम लोग छुट्टियों में अपने घर चले जाओगे, आज शाम अपने दोस्तों के साथ खाना इधर ही खाना। नहीं जानती किस जद्दोजहद से गुजर कर मम्मी इस स्थिति पर पहुंची होंगी। उस रात को शेखर दीपक और रवि के साथ खाने की मेज पर डटा हुआ था। मम्मी उतने ही प्रेम से खाना खिला रही थी, पापा वैसे ही खुले ढंग से मजाक कर रहे थे मानो बीच में कुछ घटा ही ना हो। अगल बगल की खिड़कियों से 2-4 सिर चिपके हुए थे। सब कुछ पहले की तरह बहुत सहज स्वाभाविक हो उठा था। केवल मैं इस सारी स्थिति से एकदम तटस्थ होकर यही सोच रही थी कि नाना पूरी तरह नाना थे, 100%, और इसी से मम्मी के लिए उनसे लड़ना कितना आसान हो गया होगा। पर इन मम्मी से लड़ा भी कैसे जाए, जो एक पल नाना होकर जीती हैं, तो एक पल मम्मी होकर। अभी आप सुन रहे थे मनु भंडारी जी की लिखी हुई कहानी, मेरी यानी अर्चना की जुबानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अगली कौन सी कहानी आप सुनना चाहते हैं यह भी बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।